हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि अभी हमारे देश में ही क्या बल्कि सारे वर्ल्ड के अंदर कोरोना वायरस चल रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी टेक्नीशियन से दो तीन बातें कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले सेफ़ रहिए। और सेफ़ कैसे रहेंगे, आप लोग सभी को जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसेंस ही बनाना है अपने को, एक दूसरे से दूरी बना के रखनी है। और दूसरी बात, साफ़ रहना है, अपने हाथों को साफ़ रखना है। और जो भी चीज़ ख़रीद रहे हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं, उससे वॉश करिए, सैनिटाइज़ करिए, जिससे भी मिल रहे हैं दूर से मिलिए, हाथ वगैरह शेक मत करिए। जो भी सामान ले रहे हैं, हाथ में ग्लोव्स पहनिए और मास्क लगा के रहिए। और जैसे कि मैं अभी घर पे हूँ तो मैंने मास्क नहीं लगाया है, अगर आप किसी से मिलते भी हो तो उसे मास्क लगा के रखिए। न्यूज़पेपर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़पेपर वगैरह मत लीजिए। और जो भी चीज़ खाने पीने की आप बाहर से लेते हो, बाहर से मंगाते हो, तो उसे सैनिटाइज़ करिए जिससे ले रहे हैं, और थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। और सबसे पहले सेफ़ रहिए, सेफ़ रहेंगे लाइफ आपकी सेफ़ रहेगी तो ही आप आगे जाकर कुछ कर सकते हैं। तो जैसे कि देखा है, कल भी देखे हमने दिल्ली के अंदर एक फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली को कोरोना वायरस पॉजिटिव निकला है, तो वो लोग सारी फैमिली को ले गए हैं। तो हमको चाहिए कि सेफ़ रहें, इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। देखने में आ रहा है कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, कोई डांस कर रहा है। देखिए, हमारे पास टाइम बहुत है और इस टाइम को हम अगर अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे तो ये टाइम हमारे लिए काम में आएगा। अपने आप को अपडेट करिए, और जो भी जिस फील्ड से है वो अपनी फील्ड के बारे में और नॉलेज इकट्ठा करें, गूगल से करें, या आपके पास जो भी सामान है उस सामान के साथ आप नॉलेज को इकट्ठा करें। खाली मत बैठिए, लोग बोल रहे हैं टाइम बहुत है, टाइम बहुत है, फिल्में देखते हैं, गाने देखते हैं, इससे कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप प्रे करिए, पूजा करिए, नमाज़ पढ़िए, और जो भी वक्त बचता है अपने टाइम में, अगर आप मोबाइल टेक्नीशियन हैं तो आप स्कीमेटिक डायग्राम खोल के देखिए कि कौन सी सप्लाई कहाँ जा रही है, कैसे आपको ट्रेस करना है। अगर आपके घर में पीसीबी है और मल्टीमीटर है तो उससे आप फाइंड आउट करिए कहाँ कितनी सप्लाई आ रही है, कहाँ कितनी रीडिंग आ रही है, कहाँ कितना वोल्टेज आ रहा है। तो आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहिए। तो ये जो टाइम हमारे पास है, इस यही वो टाइम है जिस टाइम में आप जो चीज़ें करना चाहते थे, जो टाइम के ना होते हुए नहीं कर पाते थे, वो आप इस वक्त कर सकते हो। थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम बिताइए। इतना बंद होने के बाद, पूरा इंडिया लॉकडाउन होने के बावजूद भी हमारे कई सारे ऐसे इंडियंस हैं जो कि बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं और मार्केट जा रहे हैं, गैर ज़रूरी ग्रुप बना के रह रहे हैं। 144 सेक्शन लगा है, दो से तीन आदमी एक जगह जमा नहीं होना है। पहली बात तो घर से बाहर ही नहीं निकलना है। इस बीमारी को आप सीरियस लीजिए, अगर आप लाइटली लेंगे तो बहुत आगे पछताने वाले हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है ये एक दूसरे से छूने से फैलती है। या फिर अभी किसी के हम करीब जाते हैं जिसके पास कोरोना वायरस है, पता नहीं चलता, 8 दिन बाद पता चल रहा है उसके जो लक्षण है, जो साइन है, वो 3-4 दिन बाद छींकें शुरू हो रही है, सर्दी शुरू हो रही है, सूखी खांसी शुरू हो रही है। तो हमको दूर रहना है, सेफ़ रहना है। तो यही बोलना है कि खाली मत रहिए, अपडेट होते रहिए। जैसा आप देख रहे हैं, हमारे सारे स्टूडेंट घर बैठे, कोई ट्रेसिंग कर रहा है, कोई स्कीमेटिक डायग्राम सर्च कर रहा है, कोई घर पे सेटअप है तो वो काम कर रहा है, और कोई जो भी पढ़ के गए थे, जो सीख के गए थे, उसको रिवाइज़ कर रहे हैं। तो आप भी कुछ ना कुछ करते रहिए। अगर हमारे स्टूडेंट है आप तो आपको तो पता ही है, और जो स्टूडेंट नहीं है, जो हमारे फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर है, तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए। हमारे फेसबुक पे हम नए नए पोस्ट अपडेट करते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही सॉल्यूशंस की तरह है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और नेगेटिव कमेंट मत करिए हमारे पेज को, हमारे यूट्यूब चैनल को। तो ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहिए। कोई अगर काम करता है तो उससे आप लाइक करिए, अगर लाइक नहीं करना है तो डिसलाइक भी मत करिए, छोड़ दीजिए। क्यों किसी को नेगेटिव कमेंट करते हो, क्यों किसी को डिसलाइक करते हो? अगर आप अच्छे हो अपने में तो ठीक है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम खुद बता देगा कि आप कितने बेस्ट हो अपने काम में। तो बस लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए,
और अपने काम में बेस्ट बनने की कोशिश करते रहिए, हमेशा सीखते रहिए। और हमारा काम ऐसा है कि हर दिन नया कुछ ना कुछ अपडेट होते रहता है, कुछ ना कुछ नया आता है तो हमको उस पर रिसर्च करनी पड़ती है। तो यही है कि बस मेहनत करिए और खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। हम लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जैसे हमारे पेज को देख के आपको समझ में आ रहा होगा। बस और ऊपर वाले से, भगवान से, अल्लाह से दुआ करिए कि जो भी इंडिया के अंदर प्रॉब्लम चल रही है कोरोना वायरस की, जल्द से जल्द ये ख़त्म हो जाए और हमारा देश फिर से नॉर्मली हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।